वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और केस प्रेजेंटेशन के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप ओपीडी में बैठते हैं तो ओपीडी में भी आपको ये वीडियो बहुत मदद करेगा। और हेडिंग देख के आपको पता होगा कि आज हम लोग हर्निया के कंप्लेंट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे आपका पेशेंट आता है, मेरे पास भी जब पेशेंट आता है ओपीडी में, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, कंप्लेन ऑफ। और जो भी अभी फर्स्ट ईयर में है या फिर जो भी ओपीडी चला रहे हैं उन्हें पता होगा सबसे पहले क्या लिखते हैं, कंप्लेन ऑफ स्वेलिंग इन इनगोइनोस्क्रेटल रीजन, जितने भी दिन से वो लिखता है। तो ये थोड़ा गलत तरीका है, क्योंकि अगर आप पेशेंट से पूछेंगे ना, वो आपको बताया कि हाँ यहाँ पे मुझे फुला फुला लग रहा है, स्वेलिंग है। लेकिन अगर आप उसे और डिटेल पूछें क्या कोई दिक्कत है आपको, तो फिर वो बोलेगा कि हाँ दर्द भी है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से आपको वो कंप्लेन लिखना चाहिए जो उसे लंबे समय से है। तो लंबे समय से हर्निया के केस में क्या होगा, दर्द होगा या फिर लंप फील होगा, लंबे समय से उसे दर्द होगा और उसके बाद उसे लंप फील होगा। तो यहाँ पे कंप्लेन लिखने में बहुत ही सावधान रहना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने भी बहुत बार गलती कर रखा है। तो सबसे पहले पेशेंट को क्या होता है, दर्द महसूस होता है और उसके बाद उसे लंप फील होता है। तो आप क्या लिखोगे, कंप्लेन ऑफ पेन इन इनगोइनोस्क्रेटल रीजन फ्रॉम जितना भी दिन है, एक महीना, दो महीना, साल भर। और फिर कंप्लेन वो क्या कर रहा है, लंप है ना, उसे लंप दिख रहा है, जो भी रीज़न वो आपको लिखना है। और ये सारा जो हमारा क्लिनिकल टेक्स्ट बुक है S10, वहाँ से लिया गया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा कंटेंट आपको वहाँ मिलेगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मिल सकता है। वही चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द बिगिनिंग व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी टू हर्निया द पेशेंट कंप्लेन ऑफ ए ड्रैगिंग एंड एकिंग टाइप ऑफ पेन विच गेट वर्स एज द डे पासेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन सेंस वाली बात है, क्या जैसे जैसे दिन गुजरते जाता है तो हम लोग क्या होते हैं ना, दिन में मोस्टली हम लोग काम करते हैं कुछ भी, है ना, रात में बहुत कम लोग कुछ काम करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पुल जब भी लगेगा तो जो हर्निया का कंटेंट है वो नीचे की ओर खिंचाएगा और साथ में वो क्या करेगा, जो उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर है उसको भी खींचेगा। और जब खींचेगा तो कैसा सेंसेशन आएगा, ड्रैगिंग और एकिंग टाइप। इसलिए जैसे जैसे दिन गुजरते जाता है दर्द जो होता है वो बढ़ते जाता है, और जब फिर पेशेंट सोने के लिए जाएगा, बेड पर जाएगा, तो वो जो ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा था वो खत्म हो जाएगा, तो पेशेंट का दर्द भी धीरे धीरे रिलीफ हो जाएगा। तो पेशेंट इसलिए शुरू में नहीं आता, उसे लगता है कि ऐसे नॉर्मल दर्द है तो क्यों जाना डॉक्टर के पास। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, क्या उसे लंप दिखने लगता है ना, क्योंकि शुरू में तो वो इजिली रिड्यूस हो जाता है, फिर बाद में क्या होता है वो रिड्यूस नहीं होता है। अगर रिड्यूस हो भी जाता है तो उसका साइज बढ़ा रहता है, तो फिर वो आपके पास आएगा और आएगा तो वो क्या बोलेगा कि यहाँ पे मुझे लंप दिख रहा है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको क्या दिमाग में रखना है, पेन क्यों, क्योंकि पेन जो होता है वो अर्लीस्ट क्लिनिकल फीचर्स होता है, उसके बाद आपको लंप देखने के लिए मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रखा है, एट दिस टाइम द पेशेंट में कंप्लेन ऑफ पेन ऑल ओवर द एब्डोमेन ड्यू टू ड्रैग ऑफ मेसेंट्री और मोमेंटम। ये किस कंटेस्ट में लिखा हुआ है, एक चीज़ और मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैंने देखा है बहुत सारे अपने फ्रेंड को भी ये चीज़ करते हुए, क्या अगर हर्निया का पेशेंट बोल दिया कि दर्द हो रहा है तो वो लोग ये मान के चलते हैं कि स्ट्रेंगुलेटेड है, ये गलत है। क्योंकि मतलब दर्द हो रहा है वो दर्द ऑन एंड ऑफ टाइप का होता है, जो ऑन होता है दिन के शुरुआत होने से और ऑफ होता है जैसे जैसे रात होते जाता है, जैसे आपका एक्टिविटी कम होते जाता है। लेकिन अगर वो स्ट्रेंगुलेटेड है ना तो दर्द बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे टेंडरनेस प्रेजेंट रहेगा, आप जैसे छुओगे वो चिल्लाएगा, है ना, आपको उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख करके समझ जाओगे कि हाँ ये टेंडरनेस प्रेजेंट है। और इनिशियली जो दर्द होता है वो जो इतना भी हमारे एब्डोमेन का क्वाड्रेंट है, हर एक क्वाड्रेंट से लिमिटेड नहीं होता, वो एक स्पेसिफिक जगह लोकलाइज्ड रहता है। लेकिन जब वो स्ट्रेंगुलेटेड हो जाता है तो वहाँ पे अगर आप पूछोगे उससे तो वो बताया कि हाँ मैक्सिमम जो क्वाड्रेंट है हमारे एब्डोमेन का उसको जो दर्द होता है वो इन्वॉल्व कर लेता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई हर्निया का पेशेंट सीधा आकर आपको बोल रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, तो आपको ये नहीं प्रिज्यूम कर लेना कि हाँ ये तो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया है, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अब दर्द तो मतलब अलग अलग स्केल है, किसी आदमी के लिए थोड़ा सा भी दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा दर्द भी थोड़ा रहता है, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ ना। तो वो आपको क्लिनिकली एग्जामिन करके देखना है क्या जो दर्द है वो लोकलाइज्ड है या डिफ्यूज़ है, और आपको फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत बार क्लियर हो जाता है क्या दर्द जो है वो उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो ये दो चीफ कंप्लेन होता है, पेन और लंप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप पेन के बारे में जरूर इंक्वायरी करें, क्योंकि ये जो होता है हर्निया जो हमारा स्टार्ट होता है, इट गेट स्टार्टेड विथ ड्रैगिंग एंड एकिंग टाइप ऑफ पेन। तो ये भी मेरे ख्याल से पूछा जा सकता है क्या जो पेन का नेचर होता है हर्निया में वो कैसा होता है, तो इट इज़ ड्रैगिंग एंड एकिंग टाइप। और मैंने स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया के बारे में भी बताया क्या क्या हमें मेंशन करना है। लंप से रिलेटेड यहाँ पे क्या लिख रखा है, मेनी हर्निया मेक काउज नो पेन, बहुत सारे हर्निया पेन नहीं कराते, एंड द पेशेंट प्रेजेंट बिकॉज ही नोटिस ए स्वेलिंग इन द ग्रॉइन। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज़ वेरी रेयर एंड सम शॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो ये बहुत रेयर होगा कि पेशेंट बोलेगा सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे लंप दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, और मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको जब भी आप क्लिनिकल पर, अगर आप सर्जन हो तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको मदद करेगा, क्या कैसे पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेके आ रहा है, और चीफ कंप्लेन यही दो रहेगा, पेन और लंप। इस कंटेस्ट को मैं धीरे धीरे आगे लेके चलूँगा, और बेसिकली ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला नहीं, ये डिस्कशन है जो मैं चाहता हूँ आप लोग के साथ डेली कम से कम एक या दो वीडियो से छोटा छोटा पोस्ट करके आपके साथ डिस्कस करूँ। और अगर अच्छा लगता है तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो भी मैं इसे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि फाइनली कुछ तो लोग होंगे जिसको इससे बेनिफिट होगा, उनके लिए मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंप्लेन ऑफ पेशेंट ऑफ हर्निया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।